हॉस्टल लाइफ की सबसे खास बात यह है कि ये आपके ट्रू सेल्फ को बाहर निकालती है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपने आप को पहचाना है कि मैं एक लेज़ी इंसान हूँ। हम कितनी ही बार अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करते हैं दूसरों के सामने कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम ऐसे बातें करते हैं, मगर डीप डाउन अगर कोई हमारे ज़िंदगी में झांक के देखेगा तो वो बोलेगा, उफ़, दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ शिट प्रिटेंडिंग टू बी कोल्ड। सच में घर में हम जैसे रहते थे, या तो वो किसी के डर के वजह से रहते थे या तो अपना एक इमेज बनाने के लिए रहते थे, बट हॉस्टल आने के बाद जहाँ यहाँ हमें देखने वाला कोई है नहीं, हमारा रूममेट भी हमारे ही जैसा आलसी है जो सुबह 8 बजे 10 बजे उठता है, तो यहाँ पे कोई जज करने वाला है नहीं, तो हम अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल यहाँ बिता रहे होते 10 बजे जाग के, फुल लेज़ी, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी का तो कहीं नामो निशानी नहीं है। हम जो ज़िंदगी चाहते थे वो ड्रीम लाइफ, और हम जो कर रहे हैं वो कभी मैच ही नहीं कर पाती इस फेज़ में। मैंने ये जाना है कि हम सिर्फ यहाँ पे विशिंग गेम खेल रहे हैं, होपिंग गेम खेल रहे हैं कि कल को वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगी तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, और तो और ब्लेम गेम भी खेल रहे हैं कि इसके वजह से ये हुआ है, उसके वजह से हुआ है, अगर वो ना होता तो ऐसा होता, नहीं होता तो उसी की गलती है, वगैरह वगैरह। हम लोग बस एक ज़रिया ढूंढ रहे हैं अपने रियलिटी से भागने का, एस्केप करने का। हर दिन मैं सोचता हूँ कि आज जाके मेरी ज़िंदगी बदलेगी, आज जाके मैं वो सारा जो मैंने प्लान किया है वो करूँगा अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, मगर वो कभी हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? उसी लेज़ीनेस के वजह से। मैं बता रहा हूँ, जहाँ फ्रीडम आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दुनिया में? खुद को मैनेज कर पाना। यहाँ हम दूसरे की ख्वाहिश लगाए बैठे हैं कि कोई हमें आके संभाल लेगा, कोई हमें समझेगा वगैरह, मगर हमने कभी अपने आप को समझने की कोशिश की है क्या? क्या हमने अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश की है? कभी नहीं। ये ऐसा फेज़ है ज़िंदगी का जहाँ पे आप खुद को देखते हो आईने में, आपका रियल पिक्चर, आप असल में कौन हो। मुझे बहुत गिल्ट भी महसूस होता है, कहना तो नहीं चाहता बट होता है ऐसा गिल्ट, कि जो चीज़ मैं डर में कर रहा था वो तो मेरे बेनिफिट के लिए था, मगर अभी जब मेरे पास चॉइस है तो मैं वो क्यों नहीं चुन रहा हूँ जो मेरे लिए अच्छा है? मैं वो क्यों कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए एकदम गंदा है, वाहियात है, जो मुझे डिस्ट्रॉय करके रख देगा? यहाँ हर चीज़ें आती है, हर गंदी चीज़ आती है इस लिस्ट में। मैं यही सोचते सोचते बस मतलब एक दिन रो गया था, यार क्या यही करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ? क्या यही यूटिलाइजेशन हो रहा है मेरी फ्रीडम का? और उसके बाद जो है ना, मैं नहीं कहूँगा कि मेरी लाइफ चेंज हो, कभी नहीं होती। मैंने खुद को दो चॉइसेस दिए कि या तो वैसे ही रहना है, और अगर वैसे रहूँगा तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं जो मैं चाहता हूँ, या फिर अभी जाके चेंज करना है, अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालना है, और जो भी चाहिए मुझे, चाहे वो आड़े या टेढ़े, मैं लेके रहूँगा। सिंपल। अब मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो कि एक्चुअली में वैल्यूबल है आसानी से नहीं मिलती ज़िंदगी में, अभी तक का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नहीं मिलती। चाहे जो भी चीज़ आपको ईजिली मिल चुकी हो, आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू ड्रास्टिकली गिर जाती है। चाहे वो कोई वैल्यूबल मेले में कोई रखी हुई चीज़ हो, खिलौना हो या फिर कोई कपड़ा हो, अगर वो फ्री में मिल जाती है आपको, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मगर जिस चीज़ के लिए आप हसल कर रहे होते हो, जिस चीज़ के लिए आपने खून पसीना बहाया होता है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूबल बन जाती है, भले ही उसकी मार्केट में वैल्यू हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं यही कहना चाहूँगा यार कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, हम अपने ज़िंदगी को नहीं बना पाएंगे वैसा जैसा हम चाहते हैं। जो ड्रीम लाइफ हम सब ने देखी है, हमें पता है वो हमारे रीच के बाहर है, बिल्कुल रीच के बाहर है। वो क्या लैम्बोर्गिनी, कोई मैंशन खरीदना, ट्रिप्स पे जाना अब्रॉड वब्रॉड, सबका सपना यही होता है। अपने मम्मी पापा को खुश रखना, ये सपना होता है सबका। मगर मैं बता रहा हूँ, ये उतना भी ईजी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, एटलीस्ट इस कम्फर्टेबल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे हम लोग बस अपने आप को मार पीट रहे हैं अपनी बुरी आदतों से। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। और ये वीडियो सिर्फ सबको लगता है कि बाकियों के लिए है, नहीं, ये मेरे लिए भी है। जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक पब्लिश किए हैं वो
दिखाने के लिए नहीं कि मैं ऐसे जीता हूँ, बट मैं वैसे जीना चाहता हूँ. सो आई एम विशिंग लक टू ऑल ऑफ यू एंड मी एज वेल. चलिए साथ ग्रो करते हैं. धन्यवाद.